हेलो बच्चों, अपन है ना विविध प्रश्नावली सात के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट फोर हो गया है ना। ये पार्ट फोर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है बेटा देखो ये कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है ना, ए सी और बी सी बराबर दिए हुए हैं, है ना। देखो ये ए सी और ये बी सी है ना, तो ए सी बराबर बी सी ये हमको क्या है दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी हमको दिया हुआ है। ए डी और बी ई क्रमशः बी सी और ए सी पर शीर्ष लंब है। ए डी तो बी सी पर शीर्ष लंब है ना। ए डी किस पे है, बी सी पे। ए से शुरू किया मैंने और इस पे लंब डाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये ए डी है ना, ये इस बी सी पर शीर्ष लंब हो गया और बी सी जो है वो ए सी पर शीर्ष लंब है, बी सी है ना। ए डी और बी ई क्रमशः बी सी और ए सी पर है ना। तो ए डी तो किस पे हो गया बेटा, देखो ये ए डी तो इस बी सी पे हो गया, ठीक है ना। और बी ई किस पे हो जाएगा, इस ए सी पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बी सी इस पर मैंने एक शीर्ष लंब ये बना दिया, ठीक है। ये बिंदु हो गया हमारा ई, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये भी कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 का तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो कि क्या कह रहा है हमको, ये इस त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ये ए सी और बी सी बराबर हैं, है ना। ए डी जो है ये इस बी सी पे शीर्ष लंब है और बी ई जो है ये इस ए सी पे शीर्ष लंब है ना। ए सी और बी सी हमको बराबर दी गई है। और क्या दे रखा है बेटा, देखो ये ए डी किस पे है, बी सी पे लंबवत है। ए डी किस पे लंबवत है, बी सी पर। और बी ई किस पे लंबवत है, ए सी पर, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ हमको दी गई है ना। अब हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है हमको, ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि ए ई इक्वल टू बी डी। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ई इक्वल टू बी डी है ना। ए ई ये ए ई और ये बी डी, ये देखो बेटा ए ई और ये बी डी ये दोनों हमको इक्वल सिद्ध करनी है। अब आप देखो कि हमको क्या दे रखा है, ये ए सी और बी सी बराबर दे रखी हैं और ए ई और बी डी को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है ना। तो अगर मैं इस ई सी को और डी सी को बराबर कर दूं, ठीक है ना, तो ए सी में से ई सी घटा दूंगा और बी सी में से डी सी घटा दूंगा। तो ए सी में से ई सी घटाऊंगा तो ए ई मिल जाएगा और बी सी में से बी डी घटाऊँ, बी सी में से ये डी सी घटा दूंगा तो बी डी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको चलना है ना। अब आप देखो बेटा, हम दो त्रिभुज लेंगे है ना, कौन कौन से, सी डी ए और सी ई बी। देखो सी डी ए ये वाला त्रिभुज और सी ई बी ये वाला त्रिभुज है ना। देखो बेटा ये सी डी ए है ना, देखो इसमें ये 90 डिग्री का कोण है ना, और इसमें सी ई बी में भी 90 डिग्री का कोण है। फिर ये देखो सी डी ए में ये सी कोण, इसमें भी है ये सी कोण, और सी ई बी में भी ये सी कोण है। तो ये दूसरा कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है ना। और इसमें सी डी ए में ये जो है ए सी, और सी ई बी में सी बी, यानी ए सी और सी बी यानी क्या है, दोनों ये बराबर आपको दे रखी हैं। तो ए ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज सी डी ए व त्रिभुज सी ई बी में, सी ई बी में है ना। क्या है देखो बेटा, कोण सी डी ए, कोण सी डी ए, सी डी ए किसके बराबर है, सी ई बी के, कोण सी ई बी के क्या है बताओ, प्रत्येक 90 डिग्री है ये। और इस वाले में सी डी ए में इस कोण को क्या बोलोगे आप, इसको कोण सी है ना, कोण सी इसमें भी है और कोण सी दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो इसको बोल सकते हो आप ए सी डी, कोण ए सी डी है ना। इसमें क्या लोगे आप, ए सी डी लोगे, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, बी सी ई, कोण बी सी ई, यानी ये सी सी, देखो सी और सी ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है,
ये दोनों में कॉमन हो गया। और इसमें सी डी ए में ए सी और सी ई बी में बी सी ई है ना, ए सी ए सी किसके, बी सी के, ये आपको दे रखी है ना, देखो जरा ए सी इक्वल टू बी सी ये हमको क्या है दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल गया, इसलिए त्रिभुज ये वाला है ना सी डी ए, सी डी ए सर्वांग सम हो गया सी ई बी के, सी ई बी के किससे बेटा, ए ए एस नियम, ए ए एस नियम से ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। जब ये सर्वांग सम हो गए है ना, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सर्वांग सम होते ही यानी हमें क्या मिल गई, ये सी डी बराबर सी, देखो बेटा सी डी किसके बराबर मिल गई, सी के, सी पी सी टी से है ना। तो चूंकि इधर सिद्ध कर दिया ना हमने राइट साइड में है ना, ट्राइंगल सी डी ए सर्वांग सम सिद्ध कर दिया हमने सी ई बी के, सी ई बी के है ना। तो इससे क्या मिल गया है ना, ये सी डी किसके, सी ई के, सी डी इक्वल टू सी ई, ठीक है, सी डी इक्वल टू क्या मिल गया, सी ई हमको मिल गया, ठीक है ना। या हम क्या लिख सकते हैं, सी ई इक्वल टू सी डी, ठीक है। इसको मैंने हमको, इसको मैंने नंबर एक दे दिया। अब दूसरा हमको दे क्या रखा है बेटा, ए सी किसके बराबर दे रखी है, बी सी के, चूंकि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है ना। अब इसमें से दोनों, इसको समीकरण दो बोल दिया मैंने, तो इस समीकरण दो में से समीकरण एक को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है ना। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया आपने ना, तो क्या हो गया बेटा, देखो ए सी माइनस सी ई इधर हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी है ना। तो ए सी माइनस सी ई क्या हो गया, ए सी है ना, देखो ए सी में से जब सी ई घटाओगे तो क्या आ गया, ए ई है ना, और बी सी में से सी डी घटाओगे, बी सी में सी डी घटाओगे तो क्या मिल गया, बी डी, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया, ठीक है ना। तो प्रूफ, तो ये तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की संगत माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है ना, तो बेटा देखो अब मैंने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी। तो ये क्या कह रहा है बेटा, देखो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग है ना, तो माना जैसे ए बी का और ए सी का जो योग है वो तीसरी भुजा की संगत माध्यिका, तो तीसरी भुजा क्या है, बी सी, बी सी की संगत माध्यिका क्या हो जाएगी, जैसे ये इसका डी हो गया, तो इसकी जो संगत माध्यिका है, ये माना इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने डी है ना, इस संगत माध्यिका के दुगने से अधिक होता है ना। तो ए बी और ए सी का जो जोड़ है उस ए डी के दुगने से क्या होता है, अधिक होता है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है हमें कि इन त्रिभुज की इन दो भुजाओं का योग जो है, ठीक है ना, इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस ए सी को बड़ा सिद्ध करना है, इसकी संगत माध्यिका, तीसरी भुजा की संगत माध्यिका क्या हो गई, ए डी है ना, ए डी के दुगने से, तो टू ए डी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो अपन पहले भी कर चुके हैं एक बार इसको, इसको दोबारा से कैसे करेंगे बेटा, देखो इसमें एक रचना करनी पड़ती है हमको, रचना कैसे करेंगे, इस ए डी को है ना, जो डी पॉइंट है इसको और आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं, इतना आगे बढ़ाया मैंने कि ये ए डी बराबर क्या हो जाए, डी हो जाए, ये बिंदु ई है ना, और इस ई को किससे मिला दिया मैंने, सी से मिला दिया, ई को किससे मिला दिया मैंने, सी से, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दी बेटा, रचना कर दी, ठीक है ना। तो क्या रचना करी, डी को ई तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए डी बराबर क्या हो, ई डी ई हो, ठीक है ना, एवं
ई को किससे मिला दिया, सी से मिलाया, एवं ई को सी से मिलाया। देखो पहले भी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन अपन, है ना, बिल्कुल सेम है बेटा। अब हम देखो इस त्रिभुज को ए बी डी, है ना, या ए डी बी को और ई डी सी को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखो बेटा ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं बताओ, शीर्षाभिमुख है कि नहीं है, है ना, और ए डी ई डी के बराबर है किससे, रचना से, है ना, ए डी किससे, ई डी के बराबर किससे है, रचना से है, है ना। और ये खुद कह रहा है कि ये ए डी क्या है, इसकी माध्यिका है, तो बी डी और सी डी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, बी डी और सी डी क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी बी और ई डी सी में, है ना, क्या मिल गया, देखो भुजा, इसकी ये भुजा इसकी भुजा के, इसका एक कोण इसकी एक कोण के, और इसकी भुजा इसके, तो एस ए एस, एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी हुए त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में, ए डी बराबर ई डी, ये क्या है बेटा, रचना से है, ये किससे है, ये रचना से, कंस्ट्रक्शन की है अपन ने, ठीक है ना। और कोण ए डी बी किसके है, ई डी सी के, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और क्या चीज है, इसका बी डी इसके सी डी के बराबर है, बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी क्या है, माध्यिका है, तो ठीक है ना, ए डी क्या है, माध्यिका है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ई डी सी के, किससे, एस ए एस नियम से, है ना। तो ये सर्वांगसम होती है बेटा, क्या मिला हमको, है ना, ये जो ए बी है, है ना, देखो आप ये जो ए बी है, है ना, ये किसके, ई सी के बराबर मिल गई, सी पी सी टी से, देखो ए बी ई सी, इसलिए ए बी क्या हो गई, ई सी, किससे, सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्या कर दिया, इनको बराबर कर दिया। अब अपन देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना हमको, अब इस त्रिभुज को लेंगे ए सी ई त्रिभुज को, किसको लेंगे, त्रिभुज ए सी ई को, त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है ना, कौन से वाले में, त्रिभुज ए सी ई में, है ना, देखो यहाँ से दिखेगा अब आपको, है ना, ए सी ई में दिख रहा है ना, ठीक है ना, ए सी ई में अब दिख रहा है देखो आपको, ठीक है। ए सी ई में क्या हो गया बेटा, देखो कि ए सी और ई सी का जो योग है वो ए ई के योग से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो ये ए सी और ई सी का जो योग है वो ए ई से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो ए सी प्लस ई सी का मान किससे बड़ा होगा बताओ, ए ई से, है ना, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है ना, बस हो गया ये, ऐसे समझो आप, ना। अब देखो ए सी ई सी, अब ई सी को ए बी के बराबर लिख सकता हूँ मैं, है ना, तो ये क्या हो गया, ए सी प्लस ई सी की जगह क्या लिख दिया, ए बी, ई सी और ए बी बराबर है, और ए ई, ए ई क्या है, ए डी का दोगुना है कि ना, देखो क्योंकि ए डी और ई डी बराबर हैं, तो ए ई को क्या लिख सकते हैं, इस ए डी का दोगुना लिख सकते हैं, है ना। तो ए ई क्या हो गया, ए डी प्लस डी ई, है ना, तो ए सी प्लस ए बी, और ए डी और डी ई क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, दो ए डी, ठीक है ना। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यानी ए बी और ए सी, इन दो भुजाओं का योग जो है वो त्रिभुज की जो संगत माध्यिका है, तीसरी भुजा की जो संगत माध्यिका है, यानी तीसरी भुजा क्या है, बी सी, इसकी संगत माध्यिका क्या है, ए डी,
ठीक है ना, तो इसके दुगने से अधिक हो गया, यानी ए बी प्लस ए सी का मान जो है इस ए डी के दुगने से क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान क्वेश्चन है 26। देखें बेटा 26 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में जो डी है वो एसी का मध्य बिंदु है ना। एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी मैंने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये जो डी है ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये इसको मैंने डी मान लिया, ये डी इस ए सी का मध्य बिंदु है, ताकि बी डी बराबर 1/2 ए सी है, यानी बी डी जो है ये इस ए सी का क्या है, आधा है ना। तो बी डी को मिला दिया मैंने, बी डी ए सी का क्या है, आधा है, है ना। देखो ये खुद कह रहा है कि ये डी इस ए सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बराबर क्या है, सी डी है ना। तो ए डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। वो खुद के ये दोबारा दूसरी बात क्या कह रहा है कि बी डी जो है इस ए सी का आधा है ना। तो ये और ये तीनों क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। तो देखो क्या दे रखा है हमको कि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर क्या दे रखी है आपको, सॉरी ए डी, ए डी किसके बराबर है, सी डी के। और दूसरा क्या दे रखा है इसने, बी डी किसके, ए सी का क्या है, आधा है, तो 1/2 ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बराबर सी डी बराबर बी डी, ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई तीनों लंबाइयां, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या पूछ क्या रहा है हमसे, ये हमको क्या चीज़ है, दी हुई है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कोण बी को 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब आप देखो बच्चों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं उनके उनके सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल। तो इसके सामने का माना ये कोण मान लिया मैंने, और इसके सामने का ये कोण मान लिया, तो ये भी क्या हो गया बेटा, x हो गया, और ये भी क्या हो गया, x हो गया। फिर ये कह रहा है कि ये और ये भी बराबर हैं, है ना, तो ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कोण भी क्या हो गया, x हो गया, और ये कोण भी क्या हो गया, x हो गया, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में देखो ये सारे कोण क्या हो गए, x प्लस x प्लस x प्लस x, है ना, तो x प्लस x, फिर ये क्या हो गए, x प्लस x, है ना, x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 180 कौन 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो कोण बी क्या है, x प्लस x है ना, तो क्या हो गया, 45 प्लस 45 इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण बी का मान कितना आ गया हमारा, 90 डिग्रीज आ गया। ये बेटा अपना 26 क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो आप, है ना। 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज में इसने खुद ने दे रखा है हमको, है ना, कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इधर बना लेता हूँ मैं, देखो इसको, है ना, ये त्रिभुज इसने क्या दे रखा है आपको, समकोण त्रिभुज है, ये खुद कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने इस पर समकोण त्रिभुज बना दिया। किसी समकोण त्रिभुज में, ये माना ए नाम दे दिया मैंने इसको, ये बी दे दिया और इसको सी दे दिया, समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण के मध्य बिंदु को, है ना, अब ये कर्ण क्या है, इसका ए सी और इसका ये मध्य बिंदु है, कर्ण के मध्य बिंदु को, ये बिंदु मैंने नाम दे दिया, माना डी है इसका, कर्ण के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड, इसके सम्मुख शीर्ष क्या है, डी का सम्मुख शीर्ष बी है
है ना, तो डी को और बी को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया है ना। तो सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये जो बीडी रेखाखंड है, ये इस कर्ण का क्या होता है, आधा होता है ना। इससे पहले किया था उसका उल्टा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बेटा देखो हमको क्या दिया हुआ है, क्या दे रखा है हमको, देखो समकोण त्रिभुज में है ना, इसका मतलब कोण भी कितना डिग्री दे रखा है हमको, 90 डिग्री दे रखा है। और कर्ण के मध्य बिंदु को है ना, कर्ण का मध्य बिंदु है ये डी, इसका मतलब ए डी बराबर क्या दे रखा है आपको, सी डी दे रखा है, ए डी और सी डी बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना, ये चीज दी हुई है आपको। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना, क्या करवाना चाह रहा है हमसे, कि कर्ण के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। तो कर्ण के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, बीडी हो गया है ना। तो ये जो बीडी है इस, ये कर्ण का क्या है, आधा है ना, यानी बीडी को 1/2 AC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो बेटा देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हम रचना करेंगे, क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे बेटा देखो, कि इस बीडी जो है, इस तो डी को और आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि जितना बीडी है उतना ही ये आगे हो जाए, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, और आगे बढ़ा दिया इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है ना, जितना बीडी है उतना ही। फिर ये जो बिंदु आया इसको मैंने सी से मिला दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एक रचना इसमें कर दी, और ये बिंदु मेरा ई नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है, इस बिंदु को क्या नाम दे दिया, ई। अब आप देखो बच्चों रचना क्या करी बेटा मैंने, बिंदु डी को है ना, बिंदु डी को, डी को ई तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि बी डी इक्वल टू क्या हो, ई डी हो, एवं ई को किससे मिला दिया, ई को सी से मिलाया, ठीक है, ई को हमने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया, ये हमने रचना कर दी है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, ए डी बी को है ना, ए डी बी को और ई डी सी को है ना, या सी डी ई को, ठीक है ना, ए डी बी यानी इस त्रिभुज को और सी डी ई को है ना। तो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में देखो बेटा ए डी बराबर क्या है, सी डी है, दे रखा है ना हमको, है ना, ए डी किसके बराबर है, सी डी के, है ना, ए डी इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है आपको, ये हमें दिया हुआ है ना, ए डी और सी डी बराबर है। और कोण ए डी बी है ना, ये जो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गए, नहीं हो गए, शीर्षामुख हो गए। तो कोण ए डी बी किसके, कोण सी डी ई के, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये आपके, ठीक है ना। और इसकी ये भुजा है ना डी बी, इसकी डी ई के बराबर है, क्योंकि रचना से है ना, डी बी बराबर क्या है, डी ई, ये रचना से है ना, डी बी किसके, डी ई के बराबर है रचना से है ना। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी डी ई किससे, एस ए एस, ठीक है ना, एस ए एस, एस ए एस नियम से है ना, एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए है ना। अब इससे क्या मिला बेटा देखो हमको, इससे ये चीज़ मिली कि ये जो ए बी है ना, और ये जो सी ई है ना, देखो ए बी और सी ई क्या हो गई, बराबर हो गई सी पी सी टी से है ना। तो इसलिए ए बी किसके, सी ई के, सी पी सी टी से, ठीक है ना, ठीक है ना, ए बी और सी ई क्या हो गई, C
सी पी सी टी से आपकी बराबर हो गई, ठीक है ना। अब देखो बेटा ए बी और सी ई, यानी ये ए बी और सी ई क्या हो गई सी पी सी टी से, ए बी और सी ई दोनों सी पी सी टी से बराबर हो गए, है ना। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो गए, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी, ठीक है ना। एक देखो इस कोण को क्या बोलोगे आप, डी ए बी, है ना, इधर से देखो डी ए बी, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा डी सी ई, डी सी ई, है ना। इसी तरह से दूसरा डी ए बी बराबर क्या हो गया, डी ए बी डी सी ई, डी सी ई, ये भी किससे, सी पी सी टी से। लेकिन ये दोनों कोण क्या है बताओ, एकांतर कोण है ना, ये क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है ना। तो एकांतर कोण होते ही ये ए बी और ये सी ई, है ना, ये क्या है बताओ, एकांतर कोण है, ठीक है ना, ये एकांतर कोण है। तो इसलिए ए बी किसके, सी ई के, ए ई ए बी किसके, सी ई के क्या हो गई, समांतर हो गई, है ना, ए बी पैरेलल सी ई, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये ए बी और सी ई दोनों पैरेलल हो गई, और ये कोण हमको क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री का है, है ना, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरक रेखा काटती है तो एक और बने एकांतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो गया, है ना। तो इसलिए हमको देखो ये भुजा, ये रेख, ये सी ई और ए बी क्या हो गई, समांतर हो गई, और ये क्या हो गई, तिरक रेखा हो गई, तो ये कोण दोनों का योग 180 होगा, तो ये 90 डिग्री दे रखा, तो ये भी कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। तो इसलिए कोण ई सी बी बराबर भी क्या मिल गया आपको, 90 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। अब इन दो त्रिभुजों को लेंगे बेटा हम, ए बी सी को और ई सी बी को, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई सी बी में, है ना, देखो ए बी सी में और ई सी बी में, क्या ए बी और ई सी बराबर सिद्ध कर चुके हैं ना अपन, देखो ए बी और ई सी बराबर हैं, ए बी किसके, ई सी के, है ना, ऊपर सिद्ध किया गया है ना, तो प्रूव्ड अबव, इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। और कोण ए बी सी बराबर क्या है, ई सी बी, ये 90 डिग्री हैं दोनों, ई सी बी प्रत्येक 90 डिग्री हैं, ये दोनों कोण क्या हैं बताओ, प्रत्येक 90 डिग्री हैं, ठीक है ना। और इसकी बी सी और इसकी सी बी उभयनिष्ठ हो गई ना, बी सी बराबर सी बी, ये दोनों क्या हो गई, कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, है ना। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ई सी बी के, किससे, एस ए एस नियम से, ठीक है ना, ए बी सी और ई सी बी, है ना। अब इनके बेटा सर्वांग सम होते ही देखो क्या मिल गई हमको, इसकी ए सी भुजा और इसकी बी ई, देखो ए सी ए सी और ई बी, है ना। तो इसलिए ए सी, इससे देखो ए सी और ये ई बी, ए सी बराबर ई बी, किससे मिल गई आपको, ये सी पी सी टी से, है ना, ए सी बराबर ई बी, है ना, देखो ए सी बराबर ई बी। अब ई बी क्या है, बी डी प्लस ई डी, है ना, तो ए सी बराबर क्या हो गया, ई बी, ई बी को क्या लिख सकते हो आप, है ना, ई बी को, ई बी को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस ई डी, तो ये हो गया बी डी प्लस ई डी। अब बी डी और ई डी दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ई डी की जगह भी बी डी लिख सकते हैं ना, तो ए सी बराबर बी डी प्लस बी डी, क्योंकि ई डी किसके बराबर, बी डी के, हम ई डी और बी डी क्या है, ये दोनों रचना से अपन की बराबर हैं, तो इसलिए ए सी बराबर क्या हो गया, दो बी डी, इसका मतलब बी डी का मान कितना हो गया, एक बटा दो ए सी, बी डी का मान कितना आ गया, एक बटा दो ए सी, यही आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपना 27 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या बेटा, देखो ए बी और ए सी, देखो ये चित्र बनाया मैंने, ए बी और ए सी क्या कर दिया हमने, दोनों बराबर हैं,
ये ए बी और ये ए सी, ठीक है ना, ये ए ये बी और ये डी और ये सी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। ए बी बराबर ए सी है ना, तो ए बी बराबर ए सी ये हमको दिया हुआ है। ए बी और ए सी यानी ये और ये हमको क्या दे रखी हैं, दोनों बराबर दे रखी हैं। तो ए बी और ए डी में संबंध पूछ रहा है, है ना, तो किस में, ए बी व ए डी में संबंध, ठीक है ना, में संबंध, है ना, कौन बड़ा है इनमें से और कौन छोटा है, है ना, ये हमको निकालना है, है ना, किस किस में। देखो ए बी है ना, ये ए बी और ए सी बराबर दे रखी है, तो ए बी में और ए डी में पूछ रहा है ये, ठीक है ना बेटा। देखो ए बी और ए सी बराबर हैं, है ना, तो इसका मतलब इसके सामने का ये कोण हो गया और इसके सामने का ये कोण हो गया, तो ये दोनों कोण क्या हैं बताओ, बराबर हैं, ठीक है ना, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो बेटा ये जो है ये वाला कोण, ठीक है ना, ये इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये बहिष्कोण है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ये जो कोण है ये वाला ए सी डी, इसका मान जो है ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो किस किस में संबंध पूछ रहा है, ए बी और ए डी में, ए बी में और ए डी में संबंध पूछ रहा है हमसे ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए बी है और ये क्या है आपकी ए सी है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये हो गया और इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, है ना। तो इस ए बी में और ए डी में क्या पूछ रहा है, ये संबंध हमसे पूछ रहा है ना बेटा। तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो है ये वाला कोण, ये इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इस कोण का मान इसके और इसके योग के बराबर होता है ना, तो नेचुरली ये वाला जो कोण है ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कोण ए सी डी हमेशा किससे बड़ा होगा, कोण ए बी सी से, है ना, ए बी सी से, क्योंकि क्या है ये बहिष्कोण है, क्या है ये बहिष्कोण है ना। तो ए सी डी, कोण ए सी डी और ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी लिख सकता हूँ ना, कोण ए बी डी, है ना। तो कोण ए सी डी का जो मान है ना, ये कोण ए बी डी से इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, कि ये जो ए डी है ना, ए सी डी, ए सी डी के सामने की भुजा क्या है, ए डी, है ना, और ए बी डी, है ना, ए बी डी के सामने की, ए बी डी के सामने की भुजा क्या हो गई, ए डी, है ना, ए सी डी, ए सी डी के सामने की भुजा ए डी है, और ए बी सी, ए बी सी के सामने की भुजा क्या है, ये ए सी है। देखो ये तो दोनों बराबर दे रखी हैं, है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, देखो कि ये जो है ना, इस त्रिभुज में हम देखें, है ना, ठीक है ना। तो देखो ऐसे समझो आपके, ये इससे क्या है, ए बी बराबर ए सी, हमको ए बी और ए सी दोनों बराबर दे रखी हैं, तो ये कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। अब हमको इस ए बी में और ए डी में संबंध पूछ रहा है, देखो बेटा ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ठीक है ना, तो इस कोण का मान है ना, या ऐसे समझ लो आप कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना, ये जो कोण है ये इससे बड़ा होगा, कोण सी किससे बड़ा होगा, ये कोण डी से, ठीक है ना, और ये क्या है, बराबर है, हाँ ऐसे समझो इसको, देखो इस तरह से समझो आप, देखो इसको बेटा कि ये जो कोण है ए सी डी, कोण ए सी डी, है ना, ए सी डी किससे बड़ा होगा, ये कोण डी से, ए सी, ए सी बी, ए सी बी ये जो कोण है ये कोण डी से क्या होगा, बड़ा होगा, और ए सी बी किसके बराबर है, ए बी सी के, है ना, तो कोण ए बी सी किससे बड़ा हो गया, कोण डी से, है ना, कोण ए बी सी यानी ए बी सी ये इस डी से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस ए बी सी इस डी से बड़ा हो गया, तो ए बी सी के सामने की भुजा क्या है, ए डी, इसका मतलब ए डी,
है ना, और ए कौन डी के सामने की भुजा क्या है, ए बी, तो ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी का मान ए बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ऐसे समझो बेटा देखो इसको कि ये क्या कुछ है, आराम से समझो इसको, ये ए, ये बी और ये डी, और ये ए बी और ये ए सी क्या है, दोनों बराबर है, ये बिंदु हमारा सी है ना। देखो बेटा ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। अब देखो ये जो कोण है ये इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हुआ कि नहीं हुआ, तो इस कोण का मान ए सी बी का, ये कोण इससे बड़ा हुआ क्योंकि इसका योग इसके और इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, है ना। तो कोण ए सी बी, ये जो ए सी बी है ये हमेशा किससे बड़ा होगा, कोण ए डी, इस कोण डी से, ये जो डी पे कोण बन रहा है ये, ठीक है ना। अब ए सी बी किसके बराबर है, ए बी सी के, जो दे रखा है ना, ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसका मतलब ये क्यों है, क्यों है, ये क्या है, बहिष्कोण है ये, है ना। तो ए सी बी है ना, ए सी बी और ए बी सी क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो ए सी बी को ए बी सी लिख सकता हूँ, कोण ए बी सी का मान कोण डी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ए ए बी सी, ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी, है ना, इसका मतलब हो गया कोण ए बी डी का मान कोण डी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। कोण ए बी डी का मान इस कोण डी से क्या होगा, तो ये बड़ा है, तो ये भुजा ए डी, है ना, ए डी किससे बड़ी हो गई, इसके सामने की क्या है, ये ए बी, तो ए डी का मान किससे बड़ा हो गया, ए बी से बड़ा हो गया, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा है बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 29। देखो बेटा 29 में क्या कह रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ए डी किसी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है, है ना। ए डी एक त्रिभुज बनाया मैंने, ए बी सी, ए डी क्या है बेटा, इसकी माध्यिका, देखो इसका मध्य बिंदु मार्क किया मैंने ये, और इसको इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। तो ये ए डी क्या हो गई, इसकी माध्यिका, इसका मतलब ये बी डी और ये सी डी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ए डी किसी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका, क्या यह कहना सत्य है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर टू ए डी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस टू ए डी से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो बेटा सीधी सी बात है, ए बी है ना, और बी डी का मान किससे होगा, ए डी से बड़ा होगा, नहीं होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है ना। ऐसे इस त्रिभुज में ले लो ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो गया बताओ बेटा, ए सी प्लस सी डी का मान ए डी से बड़ा, ए सी प्लस सी डी का मान किससे बड़ा होगा, ए डी से बड़ा होगा, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो वन प्लस टू से क्या हो गया बेटा, देखो ए बी प्लस बी डी प्लस, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड राइट, तो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी। अब देखो ए बी और बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी को बी सी लिख सकता हूँ ना, बी सी प्लस ए सी क्या हो गया, टू ए डी, है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग जो एक संगत माध्यिका होती है उसके दुगने से क्या होता है, ये अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा था हमसे कि क्या ऐसा कथन, ये कथन सत्य है, और अपने कारण हमने ये स्पष्ट कर दिया, तो ये कथन क्या है, सत्य है, यस इट इज ट्रू। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।